हेलो एवरीवन मेरे वॉइस क्लियर है गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनिल जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विमल जी थैंक यू प्रमोद जी थैंक यू रवि जी ठीक है मोहन जी सो स्टार्ट करते हैं तो दो मिनट और वेट कर ले देख लेते दो मिनट और वेट कर लेते हैं तो स्टार्ट विमल जी बोल स्टार्ट कर लेने देख लेते विमल ले दे दे जी और भी साथ पार्टिसिपेंट जुड़े दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट, कर स्टार्ट। करते हैं सावन जी बोला स्टार्ट स्टार्ट ठीक है सर करते हैं सर

सही बात है रिस्पेक्ट करने चाहिए टाइम को होपफुली मेरा आ, हिंदी में सर बिल्कुल ट्राई करूंगा जी बिल्कुल बिल्कुल सर सो सबको मेरा स्क्रीन देख ही रहा होगा स्क्रीन क्लियर है सबको एवरीवन एक दो लोग अगर यस कर दे या तो बहुत अच्छा होगा

मेंबरशिप uh, है वो कैसे सोशल के एंड स्ट्रेटजीज को एंड फीचर्स का यूज करके हाउ दे कैन एनी इम्प्रूव देयर ट्रेडिंग स्टाइल हाउ कैन इम्प्रूव देयर प्रॉफिट का परसेंटेज इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, ओवरऑल जो मेन पर्पस जो है सेमिनार इस वेबिनार का वो है कि आप कैसे अच्छे तरीके से स्टूल का यूज कर सकते हैं कैसे आप मैक्सिमाइज मैक्सिमम uh, कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को बाय यूजिंग दिस इनबिल्ड टूल्स जो कि ऑलरेडी स्टॉक केज के ऐप में है ठीक है तब लोग चलते हैं स्टार्ट करते करके सो so, जैसा कि आज पवन जी नहीं है तो मुझे उनका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी मैं कवर करने का ट्राई करता हूँ जितना मुझे आता है आई कैन डिलीवर मैं यहाँ पर डिलीवर कर पाऊँ ठीक है तो जो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट ब्रेथ पे ठीक है मार्केट ब्रेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्टॉक केज का वोइंग इन दार्केट एंड उसमें आप समझ सकते कि एक का पिक्चर उसको समझ सकते हैं जस्ट देखना है कि मैं मार्केट ब्रेथ पे जाता हूँ और मैं अगर मार्केट ब्रेथ पे क्लिक करता हूँ स्टॉकेज के सो आई कैन गेट दई कैन गेट आइडिया की क्या मार्केट में चल रहा है ठीक है तो मार्केट ब्रेथ जो है जैसे कि नॉर्मली अगर

मार्केट का जो एक ओवरऑल पिक्चर है एक ब्रॉडर सेंस में मार्केट क्या कर रहा है, run, run, booking, है? तो ये जैसे हम लोग देख सकते का दे का, आज का जो डेटा है वो आफ्टर एट थर्टी अपडेट होता है सो so, हम लोग प्रीवियस डे दे के डेटा पे डिस्कस uh, uh, करेंगे और देखेंगे की आज क्या हम लोग समझ सकते थे इससे ठीक है तो जैसा की आप लोग देख पा रहे फाइव पैरामीटर इन दिस मार्केट ब्रेथ जो फीचर्स है जी वरुण जी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है आ, आ, किसी और को भी लग रहा है मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है नो थैंक यू थैंक यू मच सर आपके आपके साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ सो मार्केट ब्रेथ में आप देख सकते हैं फाइव फीचर्स द फर्स्ट वन इज द आर एस फिफ्टी फाइव इज ग्रेटर देन जीरो सेकंड इज एसएमए ट्वेंटी थर्ड इज एस एम ए फिफ्टी फोर्थ इज एस एम ए हंड्रेड एंड द लास्ट वन इज एस एम ए टू हंड्रेड तो मैं 55 जो है उस पे डिस्कस करने से पहले बिफोर डिस्कसिंग करता हूँ आर एस फिफ्टी फाइव से टू हंड्रेड एस वी नो दिंपल मूविंग एवरेज अब इसमें चार पैरामीटर

वेरी एक एक uh, uh, स्मॉल एक एक जिसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है अगर कुछ हंड्रेड के ऊपर से करता है, तो बोला जाता में, का जो है, वो है में, अभी भी टू हंड्रेड ब्रेक कर देता है तो उसमें मार्केट में करेक्शन जैसे अपने दो में किया था दो में भी किया ठीक है तो अगर टू को तोड़ता मतलब कि उसका जो एक ऐसा तो the 55, 55, इंडिकेटर है परफॉर्मेंस ऑफ ए इंडिविजुअल स्टॉक अगेंस्ट द्रॉडर मार्केट ठीक है तो अगर किसी उसके, उसके रिलायंस इज निफ्टी के साथ कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है रिलायंस नीचे जा रहा ऐसा नहीं है तो अगर किसी भी स्टॉक का आरएस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो यही बताता है जैसे हम लोग देखते निफ्टी फिफ्टी में क्या है आर एस फिफ्टी फाइव इस गोर्टी एट परसेंट ऑफ दर डूंग गुड

इस 96 मतलब कि अभी भी मार्केट का जो पूरा का पूरा ट्रेंड है इस 100% परसेंट पॉजिटिव है बुलिश बुलिशनेस से मार्केट के साथ जा रहा है ठीक है बट आरएस 55 आरएस डूइंग गुड मींस सर डूइंग गुड मींस का मतलब है कि निफ्टी का ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स भी ऊपर ही है सारे के सारे अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हैं यहां पर एक चीज जो है कंसर्न करने का है कि आरएस 55 इज जो आरएस 55 का जो अपना फीचर था वो बोला फोर्टी एट परसेंट ऑफ द स्टॉक्स जो निफ्टी के मोमेंटम के साथ मैच कर रहे हैं इज अ पॉसिबिलिटी बोला क्योंकि पांच में से चार पैरामीटर जो है वो दिखा रहे हैं है, अपने सिंपल मूविंग एवरेज को जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है उसमें अच्छा कर रहे हैं ठीक uh, 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 है बट आर एस फिफ्टी फाइव फोर्टी एट मतलब जो जीरो के नीचे है तो ये एक कंसर्न है जो बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के कि शायद निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इन कमिंग वीक और कमिंग डेज में दो-तीन दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है uh, कल्पेश जी मैं वही बता रहा हूँ आरएस 55 है 55 डेज में कौन सा स्टॉक एक इंडिविजुअल स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा करना ठीक है सो so, इसका मतलब है कि एक लॉगर टर्म में मार्केट का ट्रेंड जो पॉजिटिव है बट मे बी इन कमिंग जो कमिंग डेज है एक दो तीन दिन में आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं कितने स्टॉक जो है यहाँ पर तीन टाइम तीन जोन ले किए हुए हैं डिफरेंट टाइम जो है लो जोन मिड जोन एंड हाई जोन जो मतलब ऑलमोस्ट अपने मिड जोन मतलब कि अपने एवरेज के आसपास जो उनका ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास है एंड लो मतलब कि जो अपने मंथ के के लो के आसपास कर रहे हैं हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी देख सकते एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम देने का जो पर्पस था यही है कि यू कैन गेट ए आईडिया की डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है ईश्वर जी शायद आपके साइड में कुछ प्रॉब्लम है मेरे यहाँ से तो स्किन फुल है स्किन uh, में किसी को प्रॉब्लम है क्या स्किन तो फुल दिख रहा है रहे कि किशोर जी को प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन देख रहा है सबको क्लियर राजीव कुमार जी नो प्रॉब्लम सर आप कुछ लोगों के साथ हाँ थैंक यू थैंक यू तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फॉर्म में हम देख सकते हैं ये एडवांस डिक्लाइन है कि पर डे निफ्टी का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है जिसको हम बोलते हैं कि निफ्टी ओपन हुआ पे प्रीवियस डे से ठीक है

हेलो नहीं मेरे नेट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हेलो नहीं सुधर जी मेरे नेट से सर, थे सर, नो कनेक्टिविटी हेलो सर हेलो दिलीप जी आ, मेरे साइड है सिम्स बेटर नो ठीक है नितिन जी हेलो हेलो मेरे यानी ने, नेट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मे बी शायद जूम में कोई प्रॉब्लम हो मेरा नेट तो परफेक्ट चल रहा है थैंक यू चलिए ठीक से फिर से अपने चलते उसी में तो हम मार्केट और सेशन को देख रहे थे थैंक यू राय जी थैंक यू थैंक यू तो जैसा कि हम जो टॉपिक पे थे एडवांस डिक्लाइंस वाले पे तो इसको देख सकते हैं डेली और मंथली चार्ट पे जी बिल्कुल ये अपने डेली और मंथली चार्ट पर उसको टाइम फ्रेम पे चेंज करके देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में कितने स्टॉक्स है जो अपने एडवांस uh, में और कितने डिक्लाइन पे है ठीक है सो मार्केट ब्रेथ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर सेक्टर रोटेशन की तरफ चलते हैं ओनली मार्केट ब्रेथ पे किसी का कोई प्रॉब्लम है तुम तो आगे बढ़ सकते हैं क्या सेक्टर रोटेशन पे चलते हैं जो प्रो वाला फीचर है हाँ दिलीप जी का बहुत अच्छा हाउ इट सेल्फ इट सेल्फ यू लाइक कि आपको एक मार्केट पे से एक ओवरऑल मार्केट का आइडिया समझ में आएगा अगर एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हो सपोज कीजिए ज्यादा स्टॉक्स जो डिक्लाइन पे कम स्टॉक्स बहुत कम फ्यू स्टॉक्स जो एडवांस पे है तो आपको एक समझ में आएगा ना कि मार्केट ने गलत गलत परफॉर्म किया या गंदा परफॉर्म कर रहा है सेम मार्केट बैठ किसी और भी चले पिलोटिकल में जाएंगे हाई या लो 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 में हाई या वाला सेक्शन पे उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट के मैक्सिमम स्टॉक्स जो अपने आ, एक टाइम फ्रेम में हाई के आसपास है मतलब आर डूइंग गुड बुलेट स्टैंड है और अगर लो के आसपास है तो पहली स्टैंड है और अगर मिड साइज में जाकर स्टॉक्स है तो इसका मतलब साइड वाइज स्टैंड में रहा है

कि उसका अंदर से उसको क्या प्रॉब्लम है नहीं है तो सिमिलरली मार्केट ब्रेथ जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि इंसान का एटलीस्ट जो प्राइमरी चीज है वो ठीक चल रहा है सेम अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ को देखते हैं तो अपने को एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है थैंक यू सतीश जी ठीक है चलिए सेक्टर रोटेशन बात हैं सेक्टर रोटेशन में एक प्रो वाला फीचर है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच हेल्प

तो इफ अगर मैं अगर आप लोगों में से कुछ भी लोग जो मार्केट में बहुत दिन से ट्रेड करते हैं जो भी उनको पता होगा कि मार्केट जब भी जाता है ना एक सेक्टर वाइज चलता है बहुत बहुत टाइम टाइम ऐसा ऐसा होगा आप देखते हो कि अगर बलरामपुर चीनी जा रहा है तो उसके साथ साथ बाकी सारे सुगर स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं क्योंकि तो उस सेक्टर में ही बाइंग आती है कभी कभार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट स्टॉक अच्छा करते हैं बिफोर द बजट तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक जो बेटर करने लग जाते हैं ठीक है तो इसमें आपको सेक्टर रोटेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है टू आइडेंटिफाई विच सेक्टर इज नेक्स्ट गोइंग टू परफॉर्म नेक्स्ट गोइंग कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करने वाला है ठीक है mm -hmm. तो सेक्टर रोटेशन पर चलते हैं इस पर भी सेम फीचर आप देख सकते हैं इसमें ब्रेथ डिलीवरी एंड वीवे तीन पैरामीटर में इसको सेक्टर रोटेशन को समझा जा सकता है जो पहला फीचर है That is the RS55, जो मैंने डिस्कस किया पहले RS55

एक का का एक का का देता है। है है क्या सर अगर अगर स्टॉक स्टॉक जो रिलेवेंट स्टेट ड्यूरेशन ऑफ डे कोई हफ्ता से निफ़्टी के साथ अगर ट्रेड कर रहा है निफ्टी के परफॉर्मेंस को बीट कर पा रहा है मतलब कि उसमें अभी भी मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है आर एस फिफ्टी फाइव इज वेरी हेल्पफुल ग्यारह हफ्ता से अच्छा कर रहा है मार्केट को बिट कर रहा है तो जैसा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को भी और भी अच्छा करेगा जब तक उसका जो पैरामीटर आर एस फिफ्टी फाइव जीरो के रहता है। ठीक है गौर, गौरी जी गौरी शंकर जी आपको क्लियर हुआ चीज चलिए थैंक यू तो अब आते हैं इसमें जो तो पहला सेक्टर उसमें देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें ऑफ द स्टॉक सेक्टर के दे आर जीरो ठीक है Second, 50, uh, RS, uh, 50, जो है स्टॉक में यानी yeah. अगर आप एट्टी परसेंट के ऊपर अगर आप देखते हो कि पैरामीटर अच्छे हैं जाता है, uh, 55 days. 55 days एक है सर ठीक है रिलिवेंट स्ट्रेंथ उस एक इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस कंपेयर करता है पूरा ब्रॉडर मार्केट क्लियर हुआ सबको प्लीज आर एस फिफ्टी पे अगर और भी किसी का क्वेरी बताइए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आर एस फिफ्टी फाइव इज इंडिकेटर विच गिव यू द आइडिया विच कंपेयर द इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस कम्पेयर टू द निफ्टी और उसके ब्रॉडर इंडेक्स से कंपेयर करता है क्लियर टू एवरी आर एस फिफ्टी क्या है आर एस फिफ्टी इज इंडिकेटर विच गिव यू द आइडिया और कि फिफ्टी फाइव डेज में निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी के अंतर का अगर कोई स्टॉक है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है सर ये ठीक अच्छा है राजीव जी इसका कोई आंसर थोड़ी आर एस फिफ्टी के ऊपर ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा ये प्रीवियस डेटा के बेस पे बोला जाता है वट एवर हम लोग जो भी बोलते हैं वो एक प्रॉपर रिसर्च और एक प्रॉपर एक्सपीरियंस एक के ऊपर बोला था इसलिए बोला जा रहा है कि ग्यारह हफ्तों तक अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया प्रीवियस डेटा में चेक करके किया गया कि कोई स्टॉक अगर ग्यारह हफ्तों से अच्छा कर रहा है तो वो और अच्छा कर ठीक है।, है तो आप ऐसे बोल सकते इसका कोई पैरामीटर नहीं है सर नो सॉरी सर वो आप कस्टमर डिलइट आपको हेल्प कर कितनी और एवरेज से कितनी ज्यादा हो रही है आप देख सकते हैं जैसे कि पेपर इंडस्ट्री मेंज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर आर एस फिफ्टी फाइव बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है जो आपको बताता है कि इंडेक्स के कम्पेरिजन में आपका स्टॉक अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है

परसेंटेज चेंज हुआ और वी जो एट्टी परसेंट के ऊपर है ठीक है अब हम लोग चलते सेक्टर एनालिटिक्स की तरफ इसके बाद आई थिंक हम लोग अपने स्कैंस के तरफ जा सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से सेक्टर एनालिटिक्स में आते हैं इसमें थोड़ा सा टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल पार्ट को भी रखा गया है वाई फंडामेंटल बिकॉज इफ यू आर डूइंग ए स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड देन आपको फंडामेंटल का भी एक बेस नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए यूनिटेक एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आप जो स्विंग ट्रेड ले रहे हो तीस दिन से लेकर नब्बे दिन तक का या पोजिशन ट्रेड ले रहे हो तीस दिन से नब्बे दिन का स्विंग ट्रेड ले रहे हो कि आप दो दिन से तीस दिन का तो एटलीस्ट आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करो जिनका फंडामेंटल भी बेटर हो ठीक है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल पार्ट को भी डाला गया डालेंगे सेक्टोलॉजिकल पार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें क्या क्वार्टरली आप कर सकते हैं इसको टाइम फ्रेम चेंज एनुअली चेक कर सकते हैं मैं से इस प्रीवियस ईयर का कंपेरिजन मतलब है, करते हैं ये हम लोग बचपन में भी थे अगर जब आप लोग स्कूल टाइम को अगर याद करेंगे तो हम लोग बोला था नाइन में मैंने नाइनटी सिक्स परसेंट पाए और टेन में नाइन्टी टू परसेंट का मतलब क्या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा खराब तो तो खराब की तरफ ही है मैंने अच्छा किया बट कम्पेयर टू माइ से मैंने गंदा किया ठीक है।, है तो इसलिए ये है क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन देखते हैं हैं इसको एनुअली देख सकते आप पर तीन फंडामेंटल्स के तीन बेसिक फंडामेंटल्स के इंडिकेटर दिए हुए सेल्स सबको पता है लाइन बोला जाता है टॉप लाइन अप्रोच बोला जाता है बहुत से एनालिस्ट जो है वो टॉप लाइन अप्रोच से अगर देखते देखे सेल्स पे जाते हैं कि इफ द कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट इज दैट कंपनी अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस और नॉट आ, सर आ, काशी जी मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर ना फीचर्स में प्रॉब्लम है ना ही आपके इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम अगर कहीं है वो अंडरस्टैंडिंग में मैं उसको क्लियर करूंगा मैं आपके क्वेश्चन को मार्क कर लेता हूँ मैं उसको करूंगा ठीक है तो कंपेयर का सेल्स अगर देखेंगे इसमें आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देख सकते हैं क्योंकि एनुअली क्या हुआ है क्वार्टरली अगर मैं कर देता हूँ तो क्वार्टरली आप उसको देख सकते हैं कि क्वार्टरली उसने ग्रोथ किया कि नहीं सेल्स सेल्स वाले पार्ट से ठीक है sales, हम इसलिए देखते हैं कंपनी का जो अर्निंग है वो उसके एक्चुअल बिजनेस आ रहा कि नहीं या एसेट बेच के आ रहा तो ये भी देखना बहुत जरूरत है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड ये सबको लेके एमोटाइजेशन को लेके ले जो कंपनी का इसको हम लोग ग्रॉस मार्जिन बोलते ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं बहुत जगह पे तो ये इस तरह ठीक uh, है तो इबिट्टा uh, जो है इट इज अ फंडामेंटल इंडिकेटर विच गिव यू द आईडिया अबाउट द एक ओवरऑल बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन क्या, या क्या है या परफॉर्मेंस क्या है है उस कंपनी का ठीक पैट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स सारा डिटेक्शन होने के बाद सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद इज द कंपनी इन अ प्रॉफिट और नॉट बिकॉज ये माना जाता है कि इन स्टॉक मार्केट इफ यू इन्वेस्ट इन अ प्रॉफिटेबल कंपनी तो आपको बेटर रिजल्ट देता है ठीक है कंपेयर टू द नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जैसे जोमेटो हुआ ये सब है ये फ्यूचर कंपनी से तो डिफरेंट है जैसे एक जो से चले है जो बहुत से से जैसे एक ऐसी जो अब अच्छा जाकर मेच्योर हो गई जैसे रिलायंस है टाटा से बहुत यंग है बट अब मेच्योर हो चुका है, अच्छा गर गर है जैसे कि और आपका आ, मेक माई ट्रिप हो गया नायका हो गया जिनको हम लोग पैट के कंपेरिजन ज्यादा नहीं करते क्योंकि उसमें अभी भी न्यू न्यू जेनरेशन कंपनी वो बहुत ज्यादा कैश बंद करती है टू एक्योर द मार्केट टा कैश बन करती है तो उनका हम इबिटा देखते है। तो बहुत सारे ऐसे न्यू के है, जो इबिट्टा को ज्यादा टू पैड ठीक है अगर आप देखोगे जोमेटो और पै, नाइका इन पैड से ज्यादा लोग इबिट्टा का बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन का बात करते बिकॉज इफ द मैनेजमेंट इज गुड एंड ऑपरेशन उनका कंपनी का बेटर होगा तो कभी इबिट्टा पॉजिटिव तो पैड को पॉजिटिव किया जा सकता है

अच्छा अब मार्केट में सेक्टर रोटेशन और सेक्टर एनालिसिस से किसी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं नहीं तो अब हम लोग अपने मेन जो इस वेबिनार का है उसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे चलते हैं होपफुली आप सबको समझ में आया होगा इज देयर एनी क्वेश्चन सेक्टर रोटेशन सेक्टर एनालिटिक्स और इसमें नो थैंक यू थैंक यू सर चलते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की तरफ वॉट इज इबिटा गौरीजी का क्वेश्चन वट इज इबिटा इबिट्टा इज ए ग्रॉस प्रोफिट ऑफ द कंपनी इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रेसिएशन एमोटाइजेशन मीन एक कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना कमाती है ग्रॉस मार्जिन मतलब कंपनी का रॉ मटेरियल मान लीजिए एक आप गाड़ी बनाते हो ठीक है अपने गाड़ी तो अच्छा आप एक वाटर बोतल का बोतल बनाते हो पानी का बोतल तो उसमें आपका पानी का खर्च बोतल का खर्च आपके सेल से माइनस कर दे तो उससे इबिट्टा आता है ठीक है उसके बाद एडवर्टाइजिंग ये सब खर्चा आता है एड करता है आप कैसे इसको अच्छे तरह से यूज कर सकते सेक्टर रोटेशन हो मार्केट ब्रेथ हो ये ओनली अ फीचर विच गिव द ओवरऑल मार्केट ओवरऑल सेक्टर में क्या चल रहा है ठीक है सेक्टर रोटेशन वहीं इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर के लिए थैंक यू दिलीप जी थैंक यू क्लियर हो गया आपको थैंक यू सेक्टर रोटेशन और आपको मार्केट ब्रेथ वाई वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दॉर द क्लाइंट और जो भी यूजर है उनके लिए इट्स गिव यू द आइडिया अगर आप मार्केट बेथ तो रोज फॉलो करते हो तो आपके ब्रेन में नेक्स्ट डे के लिए आइडिया रहता है ठीक है सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट सेक्टर रोटेशन सेक्टर रोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द स्विंग ट्रेडर्स एंड द पोजिशनल ट्रेडर ठीक है सेक्टर रोटेशन आपको ये बताता है कि नेक्स्ट इंटरेस्ट कहाँ पर जनरेट हो रहा है और या कि में अभी कौन से हैं जो बुल में दे आर इन बुल फेस जो 50 टू 80 के बीच पर रहते हैं मीन्स दे आर गोइंग टू वेल इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू वेल डूइंग वेल इन फ्यूचर जो अच्छा कर सकते फिफ्टी टू एटी बिलो फिफ्टी वाले जो पैरामीटर्स में आएंगे दे आर डूइंग बैड वो बहुत गंदा कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस गंदा वो परफॉर्मर है ठीक है तो सेक्टर रोटेशन का यूज इस तरह करना चाहिए ठीक है सर सर अभी मैंने किया था sector rotation. एक मैं sector rotation फिर से कर दे रहा हूँ टू टू थ्री मिनट्स आप पहले समझिए सेक्टर रोटेशन में तीन पैरामीटर है इंडिकेटर पर मैं नहीं कहता

परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी के साथ ठीक है कंपेयर करके बताता है कि 55 डेज में स्टॉक क्या निफ्टी के साथ ट्रेंड कर रहा है या उसके अगेंस्ट ट्रेंड कर रहा है क्लियर व्हाट इज आरएस आरएसआई इज ग्रेटर देन 50 जो लोग आरएसआई यूज करते थे नो आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर व्हिच गिव यू द आईडिया अबाउट द स्ट्रेंथ बिहाइंड द मूव ठीक है मतलब RSI जो है वो ये बताने के लिए काम आता है कि जो ये मूव आया है उसके पीछे कितना स्ट्रेंथ है ठीक है उस momentum के पीछे strength क्या है है वो से पता लगता है. तो ये मानना है ये से देखा गया है 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 कि जो है, इस बहुत अच्छा है और उसमें पोटेंशियल है और भी ऊपर जाने का व्हाट इज थर्ड पैरामीटर ऐसे में ट्वेंटी इट्स गिव यू टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है Overall sector का. से, है? अब यहां पर एक जो, के के, जो पर आपको दिख रहा है जैसे में सारे पैरामीटर है रेटिंग में सेवेंटी थ्री हंड्रेड नाइन्टी थ्री नाइनटी थ्री है तो ये जो डार्क ग्रीन वाला जो एक आपको दिख रहा है ब्लॉग्स वो ये बताते हैं द दिस रिस्की है, है? ट्रेडर अच्छा so, अगर आपको रिवर्सल खेलने का बहुत वोड करता है तो आप इन सब सेक्टर्स से में इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ ऑर मोमेंटम ट्रेडर इफ योर मोमेंटम स्विंग ट्रेडर इफ ऑर मोमेंटम पोजिशनल ट्रेडर तो आप अब सेवेंटी वाले

अब आता है दूसरे वाले इसके पैरामीटर में जो कि डिलीवरी को बताता है थैंक यू रुतुपाल जी थैंक यू नाउ द सेकंड फीचर इज थैंक यू सर थैंक यू नहीं मैं मैं द सेकंड इज द डिलीवरी व्हाई इज डिलीवरी इंपॉर्टेंट अगर इफ द स्टॉक इज डूइंग वेल ड्यूरिंग ए पीरियड बट अगर उसका डिलीवरी का परसेंटेज इज नॉट इंक्रीजिंग मींस उसमें ट्रेडिंग तो हो रही है बट पोजीशंस नहीं बन रही है ठीक है व्हाई इज डिलीवरी इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग टेटर पोजिशन टेटर कि अगर बड़े प्लेयर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो सकता है नहीं नहीं सर विशाल थैंक यू थैंक यू इज्जत देने के लिए पर मैं टेक्निकल में घुसू

That's why, ठीक है? तो delivery which give you an idea कि is the momentum is going to continue or not? Clear to everyone? तो, तो ये देखिए जैसे इसमें three times है किसी में two point five times है. Thank you, thank you sir, thank you, thank you Amar ji, thank you, thank you Sudhir ji. ठीक है? Clear to everyone? तब हम लोग चलते हैं अपने जो हमारा main है trading strategies. उसमें बहुत कुछ है तो उसपे discuss करते हैं. अब आता है अपने ट्रेडिंग में तो मार्केट पे ये सब क्लियर हो गया ये आपको जस्ट एक ओवर मैं बताऊँ देखिए एक चीज को समझने की स्टॉक में मल्टीपल फीचर्स है ठीक है एवरी फीचर्स सचिन जी मैंने अभी बहुत अच्छे से डिलीवरी एक्सप्लेन किया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर अगर आप नहीं सुन पाए हो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा नहीं अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट डे इस पर ही सिर्फ दस मिनट बोलूंगा ठीक है सॉरी सचिन जी यहाँ तो बहुत सारे फीचर्स तो जो बहुत सारे फीचर्स है, तो है आपको तो समझना पड़ेगा कि आर यू ट्रेडर आर यू स्विंग ट्रेडर या आर टेडर, आर यू यू ट्रेडर स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर सो डिपेंड ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड योर ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट इफ यूर इंटरटे ट्रेडर सेक्टर रोटेशन ड नॉट गिव यू एनी एनी वो कुछ नहीं करेगा सेक्टर रोटेशन जो ट्रेडर उनके लिए सेक्टर रोटेशन कुछ है ही नहीं बस

thank you thank you sir faraz ji thank you thank you for the compliment thank you so now we are going to discuss about the training strategy before starting the strategy i just like to clear few things bahut clearly main batata hu jo log mere purane webinar ki honge unko pata hoga aur jo aaj pehli bar mujhse mil rahe hain unke liye hai there five very important features ek five very important parameters बोल सकते हो अपना psychological बोल सकते हो जो मैंने अपने trading करियर से या मैंने जो अपना एक जो भी मैंने सीखा मार्केट से मैंने देखी

अरे मुझे WhatsApp ग्रुप में तो ये बता दिए भाग रहा है आपको आपको be आपको पहले दिन आपको पे ही करना है कि कि जो आपको identify करके बैठने हैं मुझे इन्हीं पांच या दस स्टॉक्स पे ट्रेड करना है ठीक है तो ही आप इंटरटे अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं पोजिशन तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड एग्जीक्यूशन ठीक है जी जीतनजी थैंक यू सेकंड एग्जीक्यूशन वाई एग्जीक्यूशन मुझे आइडेंटिफाई तो कर लिया ठीक है सेकंड है एग्जीक्यूशन वाई एग्जीक्यूशन इफ यू आइडेंटिफाई ठीक है आपने कर लिया द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में डिफरेंट बिटवीन द एग्जीक्यूशन एक सक्सेसफुल बंदा जो होता है वो अपना प्री डिफाइंड पैरामीटर सेट कर लेता है कि मैं इस इस पैरामीटर में ही एग्जीक्यूट करूंगा या एंट्री लूंगा

क्या मुझे एक परसेंट मूव मिल गया दो परसेंट मिल गया क्या मुझे और देखना है क्या ये ऐसा तो नहीं कि मैं एग्जिट करा ये स्टॉक दस परसेंट भाग जाए इंटरटे में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ऐसा भी होगा कि आपने एक परसेंट में प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो सडनली फिर नेगेटिव आ गया ठीक है जो भी ट्रेड करते हैं इंटरटे उनको बहुत अच्छे से पता हो गया तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द दिन वॉट आर द पैरामीटर ऑन जिसके बेस पे करके वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर ट्रेड और ये डिसाइड करे कि नहीं मुझे एग्जिट करना है फोर्थ

5 के और पांच और दस परसेंट वहां से भागा मैंने थर्टी परसेंट अपना प्रॉफिट बुक किया और मैं ट्वेंटी परसेंट करूंगा जब तक कि हंड्रेड नाइनटी के आसपास ना चला जाए कोई मार्केट में नेगेटिव तब ट्रेलिंग, को करते, करते, करते तो भी जो होती है वो हर एक प्लेयर का अलग अलग होना चाहिए इंपॉर्टेंट सर आप चाहे सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बनना है आपको अपना एसएल पता होना चाहिए डिफरेंट पैरामीटर्स बहुत सारे लोग होंगे जो अपने एसएल को डिसाइड करते हैं डिपेंड ऑन देयर कैपिटल कि मेरे पास तो एक लाख है मैं पांच हजार का एस एल देखूंगा सर नहीं इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर आपको एस एल जो होगा वो टेक्निकल पैरामीटर पे लेने होंगे ठीक है आप इस पर नहीं ले सकते कि आपने अपने मन से डिसाइड कर लिया मैंने एक हजार दस पे स्टॉक लिया मैं नौ सौ अस्सी पे स्टॉप लॉस रखूंगा और जबकि नौ सौ अस्सी पे स्टॉप लॉस है ही नहीं उस स्टॉक का ठीक है तो ये भी आपको बहुत कुछ देख के एस एल का भी पैरामीटर अलग है जो मैं ट्राई करूंगा जो मुझे नॉलेज है जितना भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है सात आठ सालों में मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे इंटरनेट टेटर स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल टेटर अपने एस को ले सकते हैं बिल्कुल सिग्निफिकेंस ऑफ गौरीजी सिग्निफिटी और बिलो 70 वो मैं एक्सप्लेन करूंगा सब चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी की तरफ तो ये फाइव स्टेप सबको क्लियर हो गया होप फाइव स्टेप सबको समझ आया थोड़ा बहुत ही नॉलेज है मुझे जो मैंने ट्राई किया आप लोगों से बताने का थैंक यू सर फरासी थैंक यू सले सी थैंक यू थैंक यू अमिर गाजी जी आपका हाथ उठ रहा सर आप बताइए ना क्वेश्चन लेके मैं सब सारे क्वेश्चन अटेंड करता हूँ सर मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूटे ना अमिर जी आप पूछ सकते हैं बिल्कुल कशिश जी मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस करूंगा इसमें है भी ऐसे पैरामीटर्स जो टेक्निकल और फंडामेंटल के बेस पे काम कर सकते हैं चलिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो जो पहला तीन नंबर क्या सर तीनों समझाया सिलेक्शन uh, या आप उसको सिलेक्शन बोल सकते हैं या एग्जिट पॉलिसी एंड द लास्ट ऑफ द एस एल बिल्कुल सर चेतन जी हाउ टू सेलेक्ट विकली स्टॉक इसमें डिस्कस करेंगे बिल्कुल संजय जी बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू टेक एस एल अब आते वन डे बुल स्ट्रेटेजी पर ठीक है

हाँ जी बिल्कुल कसोर जी तो यू नो वेरी वेल कि आपका जो सबसे बड़ा आ, एनिमी बोलिए या कुछ भी बोलिए है दैट इज अ टाइम यू हैव ओनली एट आवर साढ़े आठ घंटे के आसपास होते हैं फॉर एंटरटेन ट्रेडर अगर आप नौ पंद्रह में ट्रेड लेते हो तो आपको साढ़े तीन से पहले ट्रेड एग्जिट करना होता है दैट मीन फॉर एंटरटेन ट्रेडर द फर्स्ट एनिमी इज आपका टाइम ठीक है

कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड मीन आप सक्सेसफुल इंटरटेन ट्रेडर बिल्कुल नहीं है अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कैसे मैं समझू की आई एम ए ट्रेडर और नॉट तो मेरा उसका एक ही आंसर है कि अगर आपने क्या अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं और इफ यू आर इफ यू आर कैरी फॉरवर्डिंग योर ट्रेड तो सर दैट्स मीन कि आप सक्सेसफुल इंटरटेन ट्रेडर नहीं है ठीक है एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करता तो चलते हैं तो इसका अगर देखे एक्जुकेशन uh, स्ट्रेटेजी uh, क्या है

तो उसके हाई के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर जाए आपको एंट्री लेनी है एंड वट विन फर्स्टीन मिनट का कैंडल का जो लो है तो आप उसको स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स का कैंडल का स्टॉप लॉसा बाईस तारीख था अगर कोई स्टॉक आज आप स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं तो बेस पे ट्रेड करते हैं, तो आपको एंट्री नाइन थर्टी पे लेनी है जब वो पहला कैंडल खत्म हो जाए और वो नाइन फिफ्टीन के कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा जो फर्स्ट का कैंडल है उसका लॉक का स्टॉप लॉस है एक बहुत अच्छा मैं लाइक आपको दिखाऊंगा किसी एक सोशल मेंबर ने मुझसे पूछा था आई थिंक वो दीपक था दीपक फर्टिलाइजर तो उस पर उनका क्वेरी था कि क्या कर सकते तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था तो ये क्लियर होगा सबको टाइम और आपका एंट्री हैं देखिए दीपक फर्टिलाइजर आया हुआ भी है तो हर एक, पे एक, पे मैं एक करूंगा। चेतन जी पहले तो क्लियर हो जाइए स्ट्रेटेजी स्टॉट ए रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग सेलिंग नहीं बता रहे हम लोग सिर्फ ये बता रहे कि कि में मोमेंटम है कि नहीं आपको उस मोमेंटम के बेस पे ट्रेड करने के लिए उसी के लिए वेबिनार है ठीक है सिर्फ उसके बेस पे अगर आपकी मोमेंटम में आया था इसलिए मैंने दीपक बाई कर लिया और मैंने सी एंड कर लिया ये नहीं है ठीक है सो so, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको जो आ रहा है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन जो पैरामीटर है मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया था जो फर्स्ट लेग होता है तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए जी जी बिल्कुल चेतन उसके बाद आपको ट्रेड लेना कि नहीं लेना उसके लिए मैंने एंट्री पॉइंट और एक्सप्लेन एसल, एसल, किया है।

मैंने पंद्रह मिनट का चार्ट लगा लिया बाईस तारीख ये बाईस तारीख ये देखिए इसका पहला वाला कैंडल ये इसका फर्स्ट कैंडल है ठीक है ये देखिए

जो इसके वाले केस अगर वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर जाता है वो देख के समझ में आ जाता है सर ठीक है तो सस्टेन अगर पांच दस मिनट भी कर जाए तो हो जाएगा ठीक है थैंक यू थैंक यू नवीन जी ठीक है क्लियर टू तो एवरी वन समझ में आ गया क्या ले सकते दो एसल मैंने बता दिया अगर आप एंट्री कर रहे हो तो पंद्रह मिनट का कैंडल का जो लो है उसको ले सकते हो और अगर कैंडल बहुत छोटा है तो आप प्रीवियस डे के लास्ट पंद्रह मिनट के कैंडल का लो भी ले सकते हो ठीक है क्लियर तो टू एवरी वन लोग तो चलते दूसरे स्टडी की तरफ थैंक यू थैंक यू सलेस जी सेकेंड इज श्वॉट कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन का मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूशन पैटर्न सर सस्टेन या था यस सर

थैंक यू थैंक यू अर्चित मोहन जी थैंक यू सर थैंक यू फॉर द्लीमेंट सो इंटर वाले पार्टनर्मर चलते भी जो आपका जो रिस्क है ठीक है और अ, इसका भी आपको मिनट वाला रूल को फॉलो करना है शॉर्ट एंड कंटिन्यूशन आप ट्रेड कैसे ले सकते हो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ समझ लेते हैं उसके बाद चलते हैं उसके इस पे हाई ट्रेड क्वांटिटी लिक्विड स्टॉक होना चाहिए मैंने अपने प्रीवियस में जिसमें लिक्विड है सर्किट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कर देना सर मैं फंसोगे ना कैपिटल जीरो हो जाएगा ठीक है सर्किट वाले स्टॉक जाते भी सर्किट में और गिरते भी सर्किट में तो सर्किट वाले ट्रेड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो तीन परसेंट ऑफ योर कैपिटल यू कैन इन्वेस्ट ठीक है हाई इंक्रीज इन थ्री मंथ तीन महीने में स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया मोमेंटम और स्ट्रॉंग था तभी तो एक साइड वाइज फेज में आएगा ना एनसीसीआई एंड एम एफ आई टू डिफरेंट इंडिकेटर जो आर एस आई से अलग है बट ये भी मोमेंटम इंडिकेटर है कॉमेटी uh, uh, दोनों आर एस आई के जगह भी लगाया जाता है बट आर एस आई वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर एस आई में डाइवर्जेंस आपको देख सकते हैं ठीक है सीसीसीआई और एम एफ आई जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर क्लियर लीडिंग इंडिकेटर से एक लीडिंग इंडिकेटर से जो आपको ये बताएंगे की मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं होगा क्लियर तो एवरीवन अब इसके एक स्टॉक्स पे चलते हैं जैसे कि ले लेते हैं कैस्ट्रोल ले लेते हैं कैस्ट्रोल पे क्वेश्चन भी था सेम स्ट्रेटेजी इंटरडे में तभी आपको एंट्री करना करो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाए ठीक है क्या इसमें सस्टेन किया मतलब लेते हैं नहीं, नहीं इस पर भी नहीं किया सर था है इस पर भी नहीं किया तो ये बहुत क्लियर है सर ठीक है ये देखिए पंद्रह मिनट का कैंडल उसका पहला वाला उसको ही नहीं किया फिर किया। तो तो वेरी नेक्स्ट जो रेड बन बन गया गया बेरिस ये क्लियर हो गया सबको कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो कभी भी स्ट्रैटेजी की वजह से आपको लॉस नहीं होगा या अगर कभी हुआ भी तो बहुत मिनिमम होगा क्लियर टू तो मिनिममी अच्छा व्हाट इज वट सर, सर अगर सर्किट स्टॉक मतलब जिनमें सिर्फ बायर बायर है सेलर है ही नहीं उसको सर्किट बोलते हैं अतुल जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनिंग सर सस्टेनिंग मींस ऐसे सस्टेनिंग uh, का मतलब होता है जहां पर इफ द स्टॉक इज नॉट लूजिंग इज मोमेंटम सिंपल समझाया सिंपल वे में समझाया सर <laughs> uh, एक सर का क्वेश्चन व्हाट इज द सस्टेनिंग मीन इफ स्टॉक इज नॉट लूजिंग इज मोमेंटम या एक्सैक्टली इफ द स्टॉक इज नॉट लूजिंग मोमेंटम हाउ वी अंडरस्टैंड इफ द स्टॉक इज लूजिंग और मोमेंटम और नॉट

क्लियर सर का नाम क्या मैं भूल गया अतुल जी समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनिंग ठीक है अब चलते अपने तीसरे की तरफ सुरेश जी ये क्वेश्चन अतुल जी को समझ में नहीं ऐसा फिर से सुना द मीनिंग ऑफ सस्टेन मतलब क्या दो कॉन्सेप्ट होता है एक सपोज कीजिए मैंने कहा कि इफ सस्टेन अब तो हंड्रेड तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक नाइन थर्टी में नाइन फोर्टी में हंड्रेड के ऊपर चला जाता है ठीक है और नाइन फोर्टी फाइव तक हंड्रेड के ऊपर सस्टेन कर रहा है ठीक है नाइन फोर्टी फाइव तक हंड्रेड के ऊपर सस्टेन कर रहा है और उसका जो बार है वो ग्रीन है या बुलिस बार है ठीक है ये मीनिंग होता है इन ए सिंपल वे सस्टेनिंग का हाँ ये दिलीप जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन सर प्राइस जंप होगा सर अगर स्टॉक का जो सपोज कीजिए एक स्टॉक है हाँ बिल्कुल सर सुधीर जी ने बहुत अच्छा पकड़ा इट इज परफेक्ट एक्साम्पल नॉट मोमेंटम सस्टेनिंग इन दस्ट्रोल्टोल को सस्टेन ही नहीं किया हाई बना हाई के नीचे चले कैस्ट्रोल दीपक दोनों में ही, सस्टेन ही नहीं किया सस्टेन करता उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल और बनता तो वो फाड़ देता है वो बहुत अच्छा रिटर्न करता ये करता है तो एक बहुत अच्छा कि जम्प अगर एक स्टॉक गैप अप अगर हो जाए बहुत बड़ा

अगर गैप अप हो गया और उसको उसके बाद भी उस रैली को कंटिन्यू करना होगा ना तो ट्रेडर जो होगा उसके लोगों के को, लो को तोड़ेंगे नहीं अगर वो लो को तोड़ दिया तो वो फिर जो उसका गेंद था वो गिर जाएगा जी 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 थैंक्स थैंक्स, थैंक्स. अब अपने थर्ड स्ट्रेटेजी की तरफ रहा है सर ये लास्ट कर लू टाइगर रिवर्सल

बिल्कुल सर सूरज जी का क्वेश्चन क्या सुरेश जी आप फिर से पूछ लेंगे प्लीज सर गैपअप के बारे में बता चुका अगर गैप होता है तो पहले पंद्रह मिनट के, के, के लो को स्टॉपलेस पकड़ के बाई कर सकते हैं हाई का तोड़ने का मोमेंटम का वेट नहीं करना चाहिए क्लियर बट अगर उसमें तोड़ दे सर स्विंग के लिए तो कोई भी नहीं था सर भविन जी

तो आप उस लो को स्टॉप लॉस पकड़ के उसमें एंटर कर सकते हैं क्योंकि इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉक उस दिन डे हाई पे ही बंद होगा ठीक है बट अगर उस लो को तोड़ देता है तो इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अपना सारा का सारा जो गैप अप का कहना है वो लूज कर देगा अब अमरिल जो क्लियर हो गया आपको चलिए अब चलते हैं अपने बेरी स्ट्रेटजी के सर बेस्ट पे ज्यादा स्टॉक्स तो नहीं होंगे तो स्टॉक्स पे नहीं बात करूंगा मैं सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसमें भी तीन तरह का स्टॉक है आर्मन सील्ड एंड बोमरेज तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोमेंटम रिवर्सल आर्मर में सेम टाइम फ्रेम मैं नहीं जाता तो कुछ स्टॉक्स में स्क्रीन तक बात कर लेते हाई ट्रेड एंडिवरी क्रॉस बिलो थर्टी ओवर जोन में और है इंटर वाले पार्ट में सेम है नाइन फिफ्टी से लेकर थ्री थर्टी का अपडेट ट्रेड ले सकते हैं रिक्स टूट इज वन टू वन पॉइंट फाइव और आपका जो एंट्री स्ट्रेटेजी होगा सेम है पहला पंद्रह मिनट के कैंडल का लो के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा पहला परमानेंट का कैंडल का हाई विवेक सर कब आएंगे सर कहाँ आएंगे आज के सर वेबिनार में तो विवेक सर नहीं आता सर चलिए ठीक है सेकंड वाले में चलते कंट्रीब्यूशन

चलिए ठीक है स्कैंस में बात कर लेते हैं स्टॉक्स तो कुछ है नहीं इस को समझ लेता है, हाई ट्रेंड क्वांटिटी हाई डिक्रीज इन थ्री मीन महीने से प्राइस गिर रहा था फिर एक साइड तो फिर से कंटिन्यूशन है दोनों फिर लीडिंग इंडिकेटर है सीसीआई ट्रेंडिंग डाउन एंड एम एफ आईस ट्रेंडिंग डाउन लास्ट इज बुमरेंज रिवर्सल ये बहुत इसमें अच्छा काम कर सकते हैं अभी क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स आ सकते हैं जो अच्छे खा से अप ट्रेंड में है और अब शायद उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है तो इंट्रो वाले पार्ट में जाता हूँ सेम पॉलिसी है 9, से ले आप, आ, 9, से लेके लेके आप आप तक का ट्रेड ले सकते हैं और टू परसेंटेज आर इज वेरीज ठीक है एक इंडिकेटर है अगर ये बेरीज सिग्नल देता है रेड सिग्नल देता है इसमें रिवर्सल आ सकता है मैगडी अगेन इज ए लैगिंग इंडिकेटर मैं बार बार बोलता हूँ रिवर्सल के लिए लैगिंग इंडिकेटर अगर कोई पूछता है कि सर विच इंडिकेटर इज गुड फॉर माई सेल्फ या मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा है सो इफ यूर अटम टेटर स्विंग ट्रेटर यू ऑफिस गो विदीडिंग इंडिकेटर बट इफ यूर अ रिवर्सल ट्रेडर और आप रिवर्सल प्ले करते हैं बेटर रिजल्ट ठीक है तो लैगिंग इंडिकेटर और मैगडीटर विच गिव यू द आइडिया बउट दब स्टॉक रिवर्सल ले सकते हैं अब ऐसा कोई स्टॉक परफेक्ट मैच में नहीं परफेक्ट है क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दू

<laughs> ये तो जाएगा सर टैक्स तो लगता है थैंक थैंक यू यू एक क्वेश्चन है जी पातलाल इफ़रा सोशल उसमें पूछिए मैं उसके चलिए कंटिन्यू करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स आते हैं ऐसे ट्रेडर के लिए है जो दो दिन से लेके

चलते पहले ईगल में मोमेंटम जैसा कि मैंने बताया था मोमेंटम स्टॉक्स में आता ईगल में आते मोमेंटम स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो ईगल को आप लोग देखते हो बहुत ऊपर की तरफ होता भी है सारे बर्ड्स के कंपैरिजन में तो मोमेंटम स्टॉक मीन दो, दो स्टॉक जिनका जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्विकली बहुत क्विकली वो अब

ले सकते हैं है, तो इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। लेते हैं मोमेंटम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा किसी स्टॉक का समझेंगे हम लोग क्लोजेस्ट विद इन फिफ्टी टू वीक हाई जोन हाई जोन का मतलब परसेंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉग सेकंड स्टॉक आउट परफॉर्म बेंच इंडेक्स बोथ इन वन वीक एंड थ्री एंड थ्री मंथ

बेंचमार्क इंडेक्स मतलब सेक्टोरियल हो सकता है टाटा ठीक है, वो इंडेक्स है, जो है, वो इंडेक्स है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स प्लस सेक्टोरियल दोनों स्ट्रॉगली आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स एस के इंडिकेटर के बेस पे उटपर्फॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स के थोड़ा सा SRS मतलब ये भी RS का एक है. से थोड़ा ज्यादा दिन, दिन का एक सौ तेईस दिन का आसपास है ठीक है तो ये है कुछ तो लोगों का क्वेश्चन था सर कि एक अच्छा कोई स्विंग स्ट्रैटेजी बताइए जिस पर टेक्निकल फंडामेंटल हो तो ईगल ऐसा स्ट्रैटेजी है कंबाइंड स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल बहुत है ठीक है अब स्टॉक्स पे आते हैं स्टॉक्स पे एफ जो है परफेक्ट मैच है बीबीटीसी भी परफेक्ट मैच है कैपलिन पॉइंट भी परफेक्ट मैच है एनसीडीएसएल भी परफेक्ट मैच है तो मैं सी डी एस एल पे बात करूंगा क्योंकि सी डी एस एल पे सोशल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ आए भी थे तो मैं सी डी एस एल पे चलता हूं और इसके एंट्री और एग्जिट को समझते हैं तो पहला इफ आर स्विंग ट्रेडर पहले ही अपना चार्ट का जो टाइम फ्रेम उसको चेंज करके देख कर दीजिएगा ठीक है अब आते हैं इसमें सी डी एस एल पे देखिए फिफ्टी रुपी हाई के आसपास है आर भी ठीक ठाक ही बुलिस में है तो देखिए स्विंग ट्रेडर

प्लीज सुनिए मेरी बात को आप, आपको क्लियर आप जो गलतियां रहे तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए मैं यहां हूँ तो दो चीज बताए अगर इफ अ रेजिस्टेंस तो उसके ऊपर बंद हो जाए देन यू कैन बाय अगर कोई ब्रेकआउट जो है ना उसके ऊपर बंद हो जाए आप बाय कीजिए तो क्योंकि आपके पास थर्टी डेज है अगर आप एक दिन लेट भी एंट्री करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सेकेंड सीन आरियो इफ देसा नो रेजिस्टेंस नो आपको कोई बहुत स्ट्रॉग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इफ अ नो ब्रेकआउट हो और आर एस आई भी सिक्सटी टू सेवेंटी के रेंज में है देन

या तो आप लोग जो ब्रेकआउट लो अगर मैं तो CDSL में करना अगर यहाँ पर कोई आया पूछा एक रेंज बना लिया मैंने कि मैं यहां से यहां तक का बीच का बाई करूंगा में वट शुड बी माई स्टॉप लॉस तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस जो है इस बड़े बुलिस कैंडल का लो जो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपको कोई ऐसा कैंडल दिखे

अभिषेक पाठक जी इसका कोई भी एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ कोर्स अच्छा है, तभी हम लोग स्ट्रेटेजी पे डाले हुए हैं इंटरनली उसका एक्यूरेसी लेवल चेक किया जाता है बट जो प्रॉब्लम है हम लोग का जो पैरामीटर्स अगर इफ यू फॉलो द पैरामीटरामीटर 70 टू 80 परसेंट पॉसिबिलिटी क्या प्रॉफिट पे ही रहोगे अगर आप पैरामीटर को फॉलो करते हो पर अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ स्टॉक्स से अगर बाई करते हो पैरामीटर को एंट्री एक्सिट और रिस्क टू रिवॉर्ड को कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आप अल्टीमेट लॉस पे ही रहोगे तो ये डिफरेंट है सर ठीक है स्टॉक्स में आते इसमें परफेक्ट मैच में है अपर है आरसीएफ है तो अपर पर बात कर लेते हैं इसमें भी एंट्री का सेम जैसे मैंने बताया अगर होगा तो उसको लेना है या तो एक डिफरेंट प्राइस जोन आप कर सकते हो पर ये देखिए एक अच्छा खासा एक इसमें एक आज कैंडल बहुत अच्छा बना है

देखिए ये समझ में आ गया जैसा कि मैंने बताया था ये सामने एक रजिस्टर से कर तो इसके ऊपर ही बाई करना मुझे ठीक है एट सिक्स वन वन इसके ऊपर ही बाई करना है आर एस आई भी अच्छा है ट्रेंडिंग अप है इसके इसमें स्टॉप लॉस क्या लेना या तो आप प्रीवियस डे का इसका जो इक्कीस तारीख का लो है उसको ले सकते हैं और या तो जो स्विंग लो आपको सामने दिख रहा है इसको भी आप ऐसे स्टॉप लॉस ट्रीट कर सकते हैं

मोमेंटम रिवर्सल इनको डिफरेंट नाम से देखा गया एंड सिगल जी विलियम सिर्फ ये बताता है, है। बता कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है अब उस इंडिकेटर बीच में फॉर्मेशन में पूरा का पूरा एक वीक लग जाएगा बट वो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है बट इतना आर जो है परसेंटेज है जो ये बताता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रॉग है उसका अब आते फैलकन पे एक बेरी है स्विंग स्ट्रेटेजी है नहीं इंट्रो में चल जाते हैं से दिन के लिए बट अगर ये कोई कैश का स्टॉक है तो आप क्या कर सकते तो बेरी स्ट्रेटेजी का यूज आप सिर्फ एंट्री के लिए नहीं कर सकते स्विंग बेरी स्ट्रैटेजी का यूज आप एग्जिट के लिए भी कर सकते इफ यू हैव द स्टॉक और अगर वो स्टॉक स्टॉकन या इसके किसी भी एक में आ गया स्विंग बेरी स्ट्रैटेजी में तो आपको ये पता है कि मुझे एग्जिट कर जाना है तो स्विंग बेरी स्ट्रैटेजी का यूज अब ऐसे भी कर सकते हैं फॉर एग्जिट योर पोजिशन ठीक है जी आ, तो ये कर सकते हैं हम कर सकते हैं बट फिर से मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ उसमें आयो स्टॉक्स के बेसिस पे नहीं एंट्री लेवल जो मैंने भी समझाया एंट्री का जो पॉलिसी समझा समझाया उसके बेसिस पे कीजिएगा स्कैंस पे चलते हैं इसका वन एस टू टू है

स्कैंस पे चले जाते हैं इसमें भी सेम है टाइम फ्रेम दो से तीस दिन का है लास्ट वेरी स्टडी सीगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुल मार्केट में अच्छा काम करता है जैसे कि मैंने कहा था सपोज इसमें कोई स्टॉक परफेक्ट मैच में तो अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो आप उसमें ऐसे एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्योंकि उसमें रिवर्सल होने के चांसेस बहुत है ठीक है इसमें ऐसे स्टॉक आते हैं जो आप ट्रेंड में और उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल आ सकते हैं लेंथ ऑफ दो से तीस दिन के लिए है अगर एफ का स्टॉक नहीं है तो जैसे मैंने कहा उसको एग्जिट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं क्लोजेज एफ मंथ हाई लास्ट मंथ के हाई के ऊपर है सीसी बट सीसीआई जो इंडिकेटर वो बेरिस हो चुका है Is and is अगर किसी स्टॉक के टॉप अगर इज इनगलफिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो विच इंडिकेट ए रिवर्सल कम इन दिकल एंट्री स्विंग स्ट्रेटेजी किसी का कोई इशू है तो चलते नहीं तो फिर एक बार पोजिशन पे चलते हैं पोजिशन पे जाता मैं सचिन जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर

इनका इंट्रो वाले पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं ये आपको तीस दिन से नब्बे दिन का ट्रेड है आप एक महीने से लेकर तीन महीने तक का ट्रेड लेते हैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी सेम है एक, से एक रुपए के लिए आप तीन लेते अब इसमें बात करते हैं स्कैंस पर स्टॉक्स अगर हैंथ अच्छा कैसा अपमूव में होना चाहिए हाई इंक्रीज इन थ्री मंथ तीन महीने में भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है

राम जी आप पूछ सकते हैं सर किशोर जी ऑर्डर बुक चेक करने के लिए आपको आप फंडामेंटल तो है नहीं एसेल आ, किसका सर पोजिशन स्विंग का तो बता दिया मैंने पोजिशन में तो अच्छा, पोजिशन जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो पोजिशन इफ ऑर पोजिशनल ट्रेडर

और फिर आप धीरे-धीरे बाइंग एस एसएल क्या होता है, वो आपका हो सकता है।, है? Data, तो आपका किसी भी स्ट्रेटेजी का जो लो है जोन में सब, स्टॉक अगर हजार पे है तो मैंने हजार से नौ सौ पचास का एक जोन तीन चार पांच परसेंट बना लिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी बाय करूंगा

जो भी अच्छा खासा ट्रेड करना चाहते हैं अंडर स्टॉक के बारे में यूज कर सकते हैं तो नाम नारायण जी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने वेबिनार का जो मेरा ये शायद पूरा ना सुना हो तो प्लीज अगर आप इसके वीडियोस को देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा इस कुछ, आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे कैसे एंट्री कर कर सकते कैसे कर सकते हैं हैं यही मैंने पूरे के पूरे वेबिनार में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिल्कुल रामायण राम, राम नारायण जी बिल्कुल आपका मैं समझ गया प्लीज आप इस क्वेश्चन आप पूरे वेबिनार को एक वीडियो को आप आराम से देखिएगा आपके सारे प्रॉब्लम का आंसर है

जो कि आपको ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट में वो पोजीशनल ट्रेंड क्या है तो अगर कुछ सुपर ट्रेंड का प्राइस नियरिंग सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास है तो कंफर्म वो बाइंग होता है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर यानी उसका क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है कंपनी पैसा कमा रही है हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स क्वार्टर का सेल्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अनकंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आप यहाँ पर एक चीज समझने कंसिस्टेंट कैश भी ले सकते थे हम लोग बट कंसिस्टेंट कैश पर ऑपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बिकॉज अगर कंपनी पैसा कमा रही तो पैसा कहाँ से कमा रही इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगर वो बिजनेस से कमा रही तो इज वेरी गुड अगर वो एसेट बेच के कमा रही है मीनस फंडामेंटली कंपनी में कुछ गड़बड़ी है स्टॉक्स में परफेक्ट मैच में कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं फिशिंग पे चलते हैं मेरा फेवरेट स्कैन है जो भी लोग पूछ रहे थे तो सर मेरा फेवरेट क्या है तो मेरा फेवरेट फिशिंग है दिल, दिल। आ, राम जी आपको जो मैंने किया हो जाएगा पार्ट चलता सेम है, है। स्कैंस पर बात कर लेते हैं एक बार फिर एक बार मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा सबका आ... <laughs> सर डिफरेंट के बारे में फंडामेंटल स्कैंस को पूछिएगा सर प्लीज फंडामेंटल क्लास में पूछ लीजिएगा

If you are a or me, तो आपको करना चाहिए अगर आप मोमेंटम कर रहे हो वीकली पोजिशनल मोमेंटम आप भी चलेगा बट इफ यूर अगर आप पोजिशनल में देखना है कि नहीं आ, आपको रिवर्सल प्ले करना है, तो उस केस में आपको रेड मतलब था वहां सब ग्रीन हो गया है प्राइस इज एक स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में था सडनली उसमें का हो रहा और हो रहा है, तो ये खत्म फिशिंग में कोई स्टॉक है नहीं तो ये ओवरऑल हो गया से पोजिशनल और स्विंग में आपका एंट्री का सेम रूल है या तो अगर रजिस्टर्स के पास है तो ब्रेकआउट कीजिए इन स्विंग आप डेली में कर सकते हो डेली में ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो

प्राइस चेंज करके नीचे गिरना चालू किया है इसका जो स्कैन दे है, 52 zone, 52 के पास -पास है। अब अपना ट्रेंड तो पॉजिटिव uh, I mean, है बट वो अपने का जो है उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है एक्सैक्टली exactly, एग्जिट के लिए यूजफुल है बिल्कुल सर बिल्कुल स्लाइडिंग बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं सर जी

मैं ट्राई करूंगा जो भी मुझे नॉलेज है मैं सॉल्व करने का थैंक यू सर फाइन क्लास थैंक यू थैंक यू अशोक जी थैंक यू अतुल जी थैंक यू थैंक यू आपको पसंद आया थैंक यू अतुल जी सर uh, पोर्टफोलियो के लिए एक बार बेरीज देखना जरूरी है बिल्कुल इफ अगर आपके पास स्विंग बेरी स्ट्रैटेजी पोजिशनल बेरी स्ट्रैटेजी का यूज आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट के लिए भी कर सकते हैं या स्टॉक uh, शिफ्टिंग के लिए भी कर सकते हैं कैन यू प्लीज सजेस्ट फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग सर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अगर आप न्यू है तो थोड़ा वेट कर लीजिए सर एक दो वेबिनार और कर लीजिए फिर उसके बाद कीजिएगा सर एक दिन एग्रेसिव शॉर्ट आता है और फिर एग्रेसिव लॉन्ग क्यों आता है सर ये तो कोई नहीं बता सकता सडन इसलिए इसको, इसको ऐसे कर सकते हैं अगर एग्रेसिव शॉर्ट आ रहा है सपोज कीजिए स्टॉक है जो एग्रेसिव शॉर्ट में और नेक्स्ट वो एग्रेसिव लॉन्ग नहीं आ सकता एग्रेसिव शॉर्ट में अगर है तो या तो मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया तो एग्रेसिव लॉन्ग कब नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता सर युवराज जी आप ये गलत आप है ठीक है एग्रेसिव नहीं बन सकता। ये गलत है आपको गलत देखा होगा चार्ट पैटर्न कब सिखाओगे सर चार्ट पैटर्न ले रहे हैं जो बहुत अच्छा लेते हो वही करवाएंगे आपको थैंक यू अर्चित मोहन जी गॉट इट वेरी थैंक यू सर थैंक यू थैंक फैन ऑफ टेक्निकल थैंक यू सर थैंक यू आपको अच्छा लगा थैंक यू सर संजय सर ये आप स्टॉकेज के कस्टमर टीम से पूछ लीजिएगा फ्यूचर ऑप्शन क्लास वही लोग करवाते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर <laughs> जी बिल्कुल थैंक यू सर जी ऑफ कोर्स संजीव जी आप अपना खुद का ओन स्कैन भी बना सकते हैं जो भी स्कैन मैंने एक्सप्लेन किया सारे स्कैन्स के आप जिस टाइप का ट्रेडर आप उसका कॉम्बिनेशन बनाकर कर सकते हो थैंक यू सर सर ये एक्चुअली दवे जी मैं यही चाहता हूँ स्टॉकेज इज वेरी यूजफुल अगर आप उसके सारे फीचर्स का मोटिव को समझ पाए एंड यूजेस को समझ पाए स्टॉकेज इज द बेस्ट स्ट विथ मिनिमम प्राइस आपको कम मैं कम प्राइस में एक स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर बिफोर ज्वाइनिंग द स्टोकेज मैं खुद स्टॉकेज का कस्टमर आ चुका हूँ जब मैं दूसरे ब्रोकिंग फर्म के लिए पीएमएस के लिए काम करता था स्टॉकेज बहुत यूजफुल है अगर आप उसके सारे डेटा को यूजफुली और आप उसको बाय करेक्ट वे यूज कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग कब मिलेगी सर रिकॉर्डिंग आई थिंक कल तक लोड हो जाती है थैंक यू सर थैंक यू सर प्लीज चेक लाल मतलब युवराज जी अगर आप क्लब में प्लीज पूछे मैं आपके जाके सोशल में बता दूंगा थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू How to any we come तो कोई क्वेरी आप पूछ सकते टारगेट बताइए ठीक है सर किसी दिन किया है तो मैं बता दूंगा मैं इसका एक बहुत प्रसिद्ध जी ने बहुत अच्छा वॉल्यूम का पूछा सर एक काम कीजिएगा अगर आपको प्राइस का वॉल्यूम के साथ चेक करना तो आप ये देखिएगा कि उसके लास्ट दस या बारह कैंडल का जो वॉल्यूम है उसका एक, एक एवरेज निकाल लीजिएगा और एवरेज के साथ कंपेयर कीजिएगा तो एक आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा या वॉल्यूम आर ओसी भी आप यूज कर सकते हैं कैन यू प्लीज हेल्प अस डिंग लाइव मार्केटको सर हम लोग इसके लिए स्टॉकेज क्लब है जहां पर टेक्निकल क्लाब में आप आपके क्वेरी पूछ सकते हैं नारायण जी अगर आप ट्रेड स्टॉकेज के मेंबर हैं तो प्लीज आप पूछिए और अगर नहीं है तो प्लीज मेंबर बन जाइए आपको सारा क्वेश्चन का आंसर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आपको मिलेगा थैंक यू सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी सर मिल जाएंगे चलिए साल नोट नाउन तो सर सर स्टॉकेज पूरा सीखने के लिए कितना टाइम लगता है सर हर दिन होता है आप हर दिन सीख सकते हैं सर मेरे मुताबिक इंटरडे उनके लिए है जिनका कोई और कोई काम नहीं है जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो इंटरडे करे अगर आपका कोई दूसरा प्रोफेशन है या दूसरा बिजनेस है पोजिशन कर सकते हैं संजीव शाह आई एम न्यू मेंबर वेलकम सर आपको वेलकम है मिल जाएगा सर आपको मिल जाएगा अच्छा आप पॉलिटी मेंबर है राम जी आप आइए वहां पूछिए ना सर सर क्लब हमारे एक यूनिक हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है क्लब एक प्लेटफॉर्म है Uh, um, uh, गाजी सर जहां पर आप आके अपने मार्केट टाइम आप अपने टाइम पूछ, पूछ सकते हैं जिनका uh, अम, uh, अमरुल गाजी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कस्टमर केयर का टीम के साथ कनेक्ट करेंगे बिल्कुल देता है ड्यूरिंग द मार्केट अवर हम लोग ट्रेड भी देते हैं थैंक यू थैंक यू स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें एक्सप्लेन कर चुका मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा आप देख सकते हो स्टॉक ऑप्शन के लिए कैसे एक्सप्लेन करते ओवरऑल तो, सबका मैंने क्वेश्चन अटेंड किया थैंक यू सो मच थैंक यू होपफुली आप सबको बहुत अच्छा होगा जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मैंने शेयर करने का ट्राई किया थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर कस्टमर केयर मैं कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कनेक्ट कर ले सर कस्टमर केयर का नंबर हम लोग साइड पे भी है थैंक यू शैलेश जी थैंक यू आपको बहुत अच्छा लगा सर दो पार्टिसिपेंट सर अगर आपका कुछ क्वेरियर पूछ सकते हैं सर अगर नहीं है तो सेशन एंड करते हैं सर वीडियो मिल जाएगा सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर वीडियो मिल जाएगा हाँ यूट्यूब में भी देते हैं शायद बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा कस्टमर केयर जब भी मुझे बोलेगा सेशन लेने में बिल्कुल ट्राई करूंगा लेने का थैंक यू अजीत जी थैंक यू सर ऑफकोर्स सर मैं भी कलकत्ता से ही हूँ या कोलकाता से थैंक यू तो एंड करें सर थैंक यू सो मच होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के साथ अच्छा लगता intelligent, uh, intelligent viewers, अच्छा है सर बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट आप लोग व्यूअर्स है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था आज थैंक यू एंड करते सर अगर आप लोग का परमिशन है तो Bye. Good night.